विनेश पोगट फाइनल्स की वेल्लडम एवरको नच्चलेदन्नारु बॉक्सर विजेंदर सिंग इदी भारत पै कुट्र जरिगिंदन्नारु 100 ग्रामुल बरुवु पेरगडं वल्ल वच्चिन समस्य एंटनि प्रश्निंचारु सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था. आई पार्टिसिपेटेड इन 3 ओलंपिक्स और मैंने अपने साथियों से बात की, मेरे जो बॉक्सर थे, जो रेसलर फ्रेंड्स हैं, उन सब से बात की. तो उन्होंने कहा, यार ऐसे तो नहीं होता, लाइक यू नो 100 ग्राम में आपको निकाल दिया जाता है. बिकॉज जैसे गेम में बहुत सारे लोगों को टेक्निकल चीजें होती नहीं मालूम. जैसे दो वेट मशीन होती है वहां पे, और उस पे आप जाके फर्स्ट जो ट्रायल वेट होता है उसके ऊपर आप चेक करते हैं कि आपका कितना वेट है. वहां पर अपना वेट देते हैं, उसके बाद फाइनल वेट के लिए जाते हैं. तो 100 ग्राम कहते आप होने के बाद उसको एक मौका मिलता है कि लाइक आप 30 मिनट ले लीजिए, आपको आप रिड्यूस करके आ जाइए, आपका दोबारा वेट हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील. लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई करना तो एक बहुत एक हार्ड एक डिसीजन है किसी एथलीट के ऊपर. और इस तरह की बर्ताव आई थिंक, मुझे नहीं मालूम कि लाइक क्यों किया गया है. बिकॉज हमने अभी तक तीन जिंदगी में ओलंपिक है, हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, वो भी स्पेशली हमारे हिंदुस्तान के एथलीट के साथ, कि उसको निकाल दिया गया, उसको कोई मेडल भी नहीं मिलेगा. तो ऐसा नहीं होता. तो कहीं ना कहीं ये पता नहीं किसने किया है, क्यों किया है. तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट हमें लगता है कोई ना कोई साजिश है बिल्कुल. और जो वहां पे जो अथॉरिटीज गई है हिंदुस्तान की, चाहे वो कहते कि एक्स वाई जेड, कोई भी मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वहां पे जाकर उनको अपना प्रोटेस्ट और कहते कि अपना ऑब्जेक्शन वहां पे दर्ज कराना चाहिए कि लाइक हिंदुस्तान बिल्कुल खुश नहीं है इस डिसीजन से जो आपने लिया है, तो उसके अगेंस्ट में आप प्रोटेस्ट कीजिए और जो भी कहते हैं अपनी ओर से कड़े कदम हो सकते हैं वो उठाइए. और आपको लगता है कि कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो अपना बैग उठाइए और चुपचाप वापस हिंदुस्तान आ जाइए. उनको पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान कोई खैरात में नहीं आया, कोई यहाँ पे हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट एथलीट हैं, तभी हम पेरिस पहुंचे और हमने प्रूव किया. ये नहीं कि आप 100 ग्राम ऊपर वेट दिया और आपको निकाल दिया, तो ऐसे नहीं होता कभी. जी आई थिंक आप प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया और आपका ऑब्जेक्शन सही है, वाजिब है, और कहीं कोई हमारे एथलीट की या कहीं टीम की कोई गलती नहीं है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन एक अच्छे हिंदुस्तानी के होने के नाते कहते आपको बायकॉट कर देना चाहिए ओलंपिक का, चुपचाप आ जाना चाहिए बगैर किसी मेडल के. कोई हमारी इतनी झोली थोड़ी ना भरी कि हमारे 15-20 मेडल है. 2-3 मेडल आए थे, वो अगर वो 2-3 और आ जाते तो हमारे कहते कि भी ठीक है, हम खुश होते. लेकिन अभी मेरे को लगता है कि आपको अगर आपका सब कुछ सही है तो जांच होनी चाहिए इसकी, और ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए. तो मैं मानता हूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा. ऐसे